बाला में एक कांग्रेसी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल कांग्रेसी नेता ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक्साइज कमिश्नर को रिवाल्वर दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। एक्साइज कमिश्नर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने कांग्रेसी नेता के बेटे को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए पटाखे चलाने से मना कर दिया था। बस फिर क्या था, नेताजी ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए एक्साइज कमिश्नर पर अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर तान दी। पुलिस ने एक्साइज कमिश्नर की शिकायत पर कांग्रेसी नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 25, 188, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे कर रात जो ये डीटीसी है सुरेंद्र कुमार, ये अपने घर के बाहर खड़े थे तो कुछ बच्चे ने आके वहां पे पटाखे चलाने शुरू किए, जिस पर इन्होंने उसको मना किया कि भाई पटाखे ना चलाओ। और कुछ बच्चे तो वहां से चले गए, एक जो बच्चा था जिसके फादर का नाम नाथीराम है और वो एक्स एमसी भी रहा है, उसे कहा मेशनगर के एरिया का, मेशनगर के थाने के एरिया में पड़ता है, उसका बेटा था कनिष्क ने अपने फादर को फोन कर दिया। फादर आ गए, आने के बाद डीटीसी पर उसके फादर ने अपना लाइसेंसी रिवाल्वर 32 बोर का था जो वो उसने उसके फादर ने डीटीसी पे तान दिया, जिस पर पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पर जाकर रात को उसको जो एक्स एमसी थे उनको गिरफ्तार कर लिया और उन पर जो पटाखे बजाने की धारा और आर्म्स एक्ट की धारा और 506, 323 धमकी देने की धारा लगाकर उनको अरेस्ट किया जा चुका है। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।